देखिए, जो मेरा कई साल से सपना था, जो इसने आज मैंने इसने लागिन जो ने 20 साल 22 साल हो लिए, जो कुछ देर लग रही थी, और जो जो मेरा सपना था ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना ओलंपिक गेम में, तो वो आज मेरे सपना जो नज़दीक है, मैं जो मेरी बेटी जो ने विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी, और देश का जो जो 2016 में भी सभी जो देशवासी हिंदुस्तानियों की जो नज़र थी, जो विनेश का गोल्ड मेडल आएगा वो जो उस टाइम जो पा के चोट लगने का ना, वो उस टाइम रह गई। और 2020 में उसके बाद में उसने जो है 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया और एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिया। और ये जो अब जो 24 इसके लिए उसने मेहनत की है और सिर्फ दबाव रहा है उसके ऊपर, भी कप फेडरेशन जो उसने बाहर काट देखो बैन लगा के, लेकिन उसने वो डरती डरती जो दबाव होते हुए उसने जो इतनी मेहनत की है, आज जो है गोल्ड मेडल के नज़दीक है। तो मेरे मुझे पूरी आस उम्मीद है जो गोल्ड मेडल के लिए गए कि इतिहास ने जा रही है, जो कुश्ती के अंदर पहला गोल्ड मेडल इंडिया में कोई लाएगी तो विनेश फोगाट लेगी। ब्रजभूषण शर्मा भी कहते थे कि विनेश फोगाट कैसे वो जीत पाएगी, चले वे कार तो सही या खिलाड़ियों का जो आंदोलन चला, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी उसमें बाधा हुई होगी। देखिए ये तो है, जो एक प्लेयर जो है ना एक हफ्ते बीमार हो जाए तो उसकी जो है ना 2-3 महीनों की जो मेहनत खत्म हो जाती है, तो ये तो कई दिन बैठे धरना पर जाए तो वहाँ ना तो मेहनत हुई नहीं, ना कुछ खाना का था ना, और सर पर जो दिमाग में जो है बोझ रहता था वो उसके हटके नहीं। लेकिन ब्रज बान के मुंह पर तमाचा है, वो पहले तो लड़ नहीं सकती है, जूनियर बच्चों को ख़राब करेंगे, तो ये उसकी जो ब्रजभूषण को बोलता हूँ भाई, मैं तो आपके टीवी माध्यम से ये उसके मुंह पर तमाचा है, आज पूछो वो क्या बोल रहा है। तो विनेश फोगाट को क्या मैसेज दोगे? मैं तो ये बहुत जो मेरे सपने तूने साकार किए हैं, और जो मेरी आज जो जो शांति मैंने मिली है, वो जो मेरा मेरा मिलाल था गोल्ड मेडल का, तो वो जो ना उसका नज़दीक है, तो मेरे पूरी आस उम्मीद है। और मैंने आपसे पहले ही बताया था भी, जो आपके पास जो गोल्ड मेडल लेके आएगी, और जब क्वालिफाई मैच हुए थे जब करके आई थी तो आप ले, तो मैंने बताया था आपकी बार जो गोल्ड मेडल लेके आएगी, लेकिन वो आज वो नज़दीक है और मेरी पूरी आस उम्मीद है वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ महावीर फोगाट थे, जिनका स्पष्ट रूप से जो कहना है कि पिछले दो ओलंपिक में विनेश फोगाट मेडल नहीं जीत पाई, उस बात का मलाल जरूर है, लेकिन इस बार फाइनल में पहुंच चुकी है और बेटी विनेश को भी आशीर्वाद दिया है कि वो गोल्ड मेडल देश के लिए जीतेगी, और साथ के साथ उनका हौसला बढ़ा है। चरखी दादरी के गाँव बलाली से प्रदीप साहू।